अस्सलाम वालेकुम, हेज मोहम्मद सदर खान और आप देख रही है सदर खान टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम टैक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, पेज कवर, पेज ब्लैंक और पेज ब्रेक, ये वाला जो ऑप्शन हमने किया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पिक्चर अगर हम लगाना चाहें तो वो पिक्चर भी कैसे लगा सकते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, होम के टैब को क्लियर कर लिए है। अब इनसाइड टैब का जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी हमने अच्छे से कर लिया है। जो टेबल है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसके बारे में तमाम चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद हमारा जो है, यानी कि टेबल में हम एक्स्ट्रा ये क्विक टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल, ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप टेबल की सीरीज़ को अच्छे से क्लियर करके उसके बाद आप इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। पिक्चर को देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर को लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी पिक्चर तो पड़ी नहीं है, तो हम थंबनेल ये पड़ा है, हम थंबनेल को इसको सेट कर लेते हैं। जी ये हमारा थंबनेल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ये देखें इसको हम अगर रोटेट करना चाहें तो नहीं कर सकते, इस पर क्लिक हटा देते हैं हम। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे अगर हम क्लिक हटा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जैसे ही हम इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, क्लिक आपने डबल करने है, सिंगल क्लिक करने पे अगर कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आपने ये नहीं करना कि सर इधर तो कोई ऑप्शन नहीं आया। मेहरबानी कीजिए जो अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से करना है, तो आपने पिक्चर को जो क्लिक करना है वो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक, ये वाला डबल क्लिक या ये वाला डबल क्लिक, ये या ये, बात एक ही है, करने से फर्क पड़ता है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर पे डबल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाले ऑप्शन जो हैं ये सारे आ जाएंगे। अब इन ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं हम तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करेक्शन करना चाह रहे हैं, यानी कि करेक्शन किसकी करेंगे, ब्राइटनेस की करेंगे, कंट्रास्ट की करेंगे, शार्पनेस की करेंगे, वो हम करेंगे कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ये तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, ये भी ज़्यादा हो गई है, ये कम हो गई है, ये उससे कम हो गई है, तो इस तरह की ये डार्कनेस जो है हम इसकी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये वही पिक्चर है जो कि बार बार, यानी कि मुख्तलिफ शेप्स में आके ये अकॉर्डिंग टू यू सही या ख़राब हो रही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको ठीक करना है या ख़राब करना है, सही डॉक्यूमेंट को, ख़राब डॉक्यूमेंट को सही करना है या फिर सही डॉक्यूमेंट को ख़राब करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। कुरेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा कलर है, अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें ये पुरानी फिल्मों के हीरो कभी आपने देखे होंगे, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास तमाम तरह का इख्तियार आता है, आप इसको डैशिंग में लेके आना चाहें, ब्लैक एंड वाइट में लेके आना चाहें तो भी लेके आ सकते हैं। ये तमाम स्ट्रेटजीज आपके पास मौजूद हैं, तमाम इख्तियार मौजूद हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोर वेरिएशन, अगर मज़ीद यानी कि हम इसमें चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आना है मोर वेरिएशन पे और इसमें क्लिक कर देना है। ये थीम कलर है, इसके बाद ये वाले जो है ये स्टैंडर्ड कलर है, और फिर मोर कलर, ये हमारे पास मोर कलर है, हम कुछ भी करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट आ जाते हैं जी, आप आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 3D टाइप की, यानी कि जो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर इस तरह का आप 3D टाइप का वो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने लगा था तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा, बहुत सारे यानी कि मेरे जानने वाले थे जिन्होंने कहा कि यार आप क्या करने जा रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर रहे हो तो इस चैनल पे ऐसे कैसे चैनल ग्रो करेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग मेरे साथ हैं तो चैनल क्यों नहीं ग्रो करेगा, और जब मैं आपको
प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा इशू है कि चैनल ग्रो नहीं करेगा, या आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखें, आपके पास ये बनी बनाई चीज़ें हैं जो कि आप मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जा सकती है वो कोरल ड्रा में नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल अथेंटिक सी चीज़ें कर रहा हूँ। आप शार्ट टाइम में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप हर तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप फ्लैक्स बना सकते हैं, आप स्प्रीड शीट बना सकते हैं, आप रोल नंबर स्लिप बना सकते हैं, CV फॉर्मेट बना सकते हैं, आप लेटर हेड बना सकते हैं, आप यानी कि कुछ भी बनाना चाहें वो आप इस पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। कहीं भी आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वाहिद सॉफ्टवेयर है जो आप कोटोडो सिस्टम पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, प्रीमियर पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको एडवांस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और जब एडवांस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके जो चार्जेस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, तो उस लिए आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सिंपल कोटोडो, जिसमें आपने 2GB रैम लगाई हो, तो उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये 3D इफेक्ट्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह हैं जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर मज़ीद आप नहीं करना चाह रहे तो सिंपल हम वो पहले वाले पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो है, ये जस्ट मैंने एडजस्टमेंट के हवाले से बताया है, ये हमारा रिमूव बैकग्राउंड के हवाले से है। अगर रिमूव बैकग्राउंड करना चाहें तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे, ये आपके पास जब बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शन आ रहे होंगे, मार्क एरियाज टू कीप, उसके बाद मार्क एरियाज टू रिमूव, डिलीट मार्क, डिस्कार्ड ऑल चेंज, और फिर हमारे पास आ जाता है कीप चेंज। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, अभी हमें यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करना चाहें आप तो वो कर सकते हैं, डिस्कार्ड चेंज पे, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्कार्ड ऑल चेंज पे क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होता है ये वाला, तो ये जो है ये हमारे यानी कि बॉर्डर वगैरह जो यूज़ होते हैं उसके हवाले से हम कर सकते हैं। ये हमारे बॉर्डर्स हैं और इनको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स के हवाले से। अगर मज़ीद ये यूज़ करना चाहें तो ये देखिए हम यूज़ कर सकते हैं मज़ीद भी, ये मुख्तलिफ शेप्स और ये तमाम तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर और भी आप करना चाहें तो ये आप देखें आप कर सकते हैं, इसमें जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको आप फाइनली क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन आप क्लिक करना चाहें वो आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। ये आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो बनी बनाई आपको मिल रही हैं, और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ना आउटलाइन लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कंटेंट पे हेडिंग देने की ज़रूरत है, ना आपको शेप्स बनाने की ज़रूरत है, हर चीज़ बनी बनाई आपके पास पड़ी हुई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर ये भी आपको हो गया। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ये पिक्चर इफेक्ट आप लगा सकते हैं, 3D टाइप की पिक्चर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये तमाम तरह की, अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहें पिक्चर को तो वो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ये वाले ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन अगर आप मज़ीद सेलेक्ट करना चाहें, ये देखें, ये आपके पास लाइनर कलर है, लाइनर स्टाइल है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो एंड सॉफ्ट एज है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं और किस डॉक्यूमेंट किस स्ट्रेटजी के मुताबिक, डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है, किसके मुताबिक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्चर लेआउट, ये वाला अगर आप इसके मुताबिक लेना चाह रहे हैं पिक्चर को तो वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके मुताबिक भी। ये देखें आपकी तमाम तरह की यानी कि जो पिक्चर्स हैं आप ऑप्शन चूज करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये देखें आपके पास इतने सारे ये ऑप्शन जो हैं वो आप कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ शेप्स में आपकी जो पिक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कंट्रोल जेड कर दें, तो मैं भी अभी फ़िलहाल कंट्रोल जेड ही करूँगा क्योंकि मैं भी आगे ये वाला काम नहीं करना चाह रहा जो आप देख रहे हैं। मैं अभी आगे आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ज़ाहरी बात है जब हम यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ,
ना कि मैं कोई ब्रोशर या यानी कि कुछ भी यानी वो बना रहा हूँ लेटर हेड वगैरह, तो वो आप बनाना चाहें तो आप इस पे बना सकते हैं और शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। ये चीज़ हो गई, और हाई रेजोल्यूशन में सबसे बड़ी बात ये है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है जी, यहाँ पे फिर दोबारा से हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है पोजीशन। अब हमारा इशू जो था वो ये था कि यार ये पिक्चर को मूव तो नहीं कर सकते, हम कैसे मूव करें, तो हमारा वो इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या फिर मोर लेआउट में यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग या साइज में जहाँ भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद हम इसको जैसे मर्जी ड्रैग करना चाहें, जहाँ मर्जी लगाना चाहें, चाहे छोटा करना चाहें, चाहे बड़ा करना चाहें, चाहे इस कॉर्नर पे लगाना चाहें, चाहे इस कॉर्नर पे लगाना चाहें, चाहे यहाँ हम जहाँ मर्जी यानी कि सिलेक्ट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर पे जब ये ऑप्शन हम क्लिक कर लेंगे तो ये यानी कि फ्री हैंड इसको मिल जाएगा, तो जहाँ मर्जी हम रखना चाहेंगे ये हम इजी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं बड़ा आसानी से काम हो रहा है। तो पोजीशन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आ जाता है रैप टेक्स्ट। अब ये वाला ऑप्शन फिर आ गया नीचे, तो ये आपके पास से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, और इसके मुताबिक आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करना चाहें सिक्योर में या टाइट में या फिर आप थ्रो में, तो वो अभी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें तब यूज़ होती हैं रैप टेक्स्ट पे जब आपको पिक्चर लगाते हैं, और पिक्चर लगाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो लिखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट में आके अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिक्योर में करना चाह रहा हूँ, थ्रो में करना चाह रहा हूँ, या फिर टॉप टू बॉटम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लेके आता हूँ सिक्योर में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम वो पैराग्राफ ले लेते हैं, अभी इतना ज़्यादा शार्ट लिखने की ज़रूरत क्या है। ये हमने पैराग्राफ ले लिया है। पैराग्राफ क्या है, ये देखिए आपका ये थ्रो में आ गया है। अब इसको आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, जहाँ पे आपने जो भी पिक्चर लगानी है तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ से इसको पिक्चर को ड्रैग नहीं करना, इसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ना यहाँ से करनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। तो आपने क्या करना है, इसको पिक्चर को बड़ा या छोटा जहाँ भी करना है आपने ये कॉर्नर पकड़ना है, और इसको बड़ा या छोटा आप इसके मुताबिक करेंगे, कि कोई एक कॉर्नर पकड़ लें तो मेरे ख्याल में इसके लिए काफ़ी हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आप जिस साइड पे ड्रैग करना चाहें वो ड्रैग कर सकेंगे। लेकिन कॉर्नर पकड़िएगा, वरना ये ना खुद के काबिल रहेगा ना आपके काबिल रहेगा, पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन आप रैप टेक्स्ट में आप जहाँ भी करना चाहें, ये देखिए टाइट में करना चाह रहे हैं, या फिर आप इसको मज़ीद यानी कि बिहाइंड टेक्स्ट में लेके आना चाह रहे हैं, ऊपर टेक्स्ट आ गया और पीछे ये आ गया, उसके बाद फ्रंट टेक्स्ट में लेके आना चाह रहे हैं, टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे छुप गया है लेकिन जो है ये पिक्चर ऊपर आ गई है। लेकिन अगर हम एडिट रैप पॉइंट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, देखिए एडिट रैप पॉइंट्स, जो रैप पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट था वो उसके पीछे हट के कवर होके आ गया है। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट भी सेम रहेगा और इसमें आपको मसला भी नहीं बनेगा। अगर इसके बाद हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो ये देखिए जैसे जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे ये खुद से ही ये अपना इसका जो एडजस्टमेंट है वो सेट होती जा रही है। यहाँ पे पोजीशन अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पोजीशन भी ये आपके पास हैं, अलाइनमेंट, बुक लेआउट, एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन, ये तमाम तरह की जो ऑप्शन हैं ये आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, ऊपर आ जाएगा, ब्रिंग बैकवर्ड तो बैकवर्ड नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं यानी कि कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई भी यानी वो डिज़ाइन बना रहे होंगे, तो उस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पेज अप पेज डाउन, टेक्स्ट को ऊपर लेके आना या फिर फॉन्ट को ऊपर लेके आना, शेप को, वो हम इस पे कर सकते हैं। आप अगर पिक्चर को ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, अगर पिक्चर को नीचे लेके आना चाह रहे हैं और ऊपर टेक्स्ट लेके आना चाह रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे,
ब्रिंग बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। पेन सिलेक्शन पेन ये आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे शो ऑल ये आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी जी। तो ये जो चीज़ है ये आई जो है ये आई छोटी सी है आई वो उसकी बात कर रहा हूँ आपने वो मैं अब चोटी नहीं काट रहा कि आप आई कर रहे हो ये वाली नहीं समझना ना मुझे कोई चोटी काट रहा है कुछ भी नहीं है मैं अकेला कमरे में हूँ और मुझे कोई चोटी काटने वाला नहीं है। तो ये मैं आई इसकी बात कर रहा हूँ जो ये वाली आई है इसकी बात कर रहा हूँ इसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये देखिए पिक्चर जो है वो हट गई है यहाँ पे ही डॉक्यूमेंट में मौजूद है लेकिन हमें शो नहीं हो रही। लेकिन जब जैसे ही हम वापस दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर हमारे पास वापस आ गई है और हमें जो है वो नज़र भी आ गई है। शो ऑल करना चाहें या फिर हाइड ऑल करना चाहें या री ऑर्डर करना चाहें वो आपके पास ऑप्शंस हैं आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए खुले ऑप्शन किसी किसी को मिलते हैं आपको मिल रहे हैं आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्रॉप पे। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं अलाइनमेंट सेट करनी है आपने इसकी कैसे करते हैं। इसके बाद आपने इसको ग्रुप में लेके आना है वो कैसे लेके आ सकते हैं या फिर आप ये रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं ये 90 ग्रेड ये देखिए ये आप रोटेट भी पिक्चर को कर सकते हैं जिस तरह मर्जी करना चाहें ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास क्रॉप आ जाता है। क्रॉप में अगर इनकी पिक्चर को आप क्रॉप करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं ठीक है। तो हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर चाहिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम सिंपल साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अकेली पिक्चर रह गई है। ये देखिए आपके पास पिक्चर आ गई है ठीक है। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं अब मज़ीद इस पे क्रॉप पे आते हैं। क्रॉप पे आने के बाद हम चाहते हैं कि पिक्चर क्रॉप टू शेप यानी कि पिक्चर को हम शेप में लेके आना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉप टू शेप पे क्लिक करेंगे सॉरी क्लिक नहीं करेंगे इस पे सिलेक्ट करेंगे यानी कि सिलेक्शन के साथ हम इधर शेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं इनमें से कोई भी शेप अगर हम लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने लिए सिलेक्ट करूँगा मैं अपने आप को बंद तो नहीं करना चाहता डब्बे में लेकिन मजबूरी है आपको सिखाने के लिए करना पड़ेगा लेकिन आपने मुझे निकाल लेना है ये ना हो कि फिर मैं अंदर ही रह जाऊँ जी। यहाँ पर फिर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये जो है ये क्रॉप हो चुका है और ये आपको जूम की पोजीशन में मिल रहा है देखिए जैसे बॉक्स में होता है जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे यानी कि शेप में चेंज हो गया है। इसके बाद अगर मज़ीद आपका ये शेप दी होगी तो आप उसके मुताबिक शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे अगर एस्पेक्ट रेशो करना चाहें तो ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यानी कि स्क्वायर पोर्ट हम लेके आना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस शेप में लेके आना चाह रहे हैं। तो ये देखिए आपकी जो पिक्चर है ये मुख्तलिफ शेप में कन्वर्ट हो गई है। अगर इसको मज़ीद आप यानी कि अपनी सोच के मुताबिक लेके आना चाहें तो वो आप लेके आ सकते हैं। ये फिल कर देते हैं हम फिट कर देते हैं तो फिट जो है ये देखिए मुकम्मल पिक्चर जो है आपकी इस बॉक्स में बॉक्स के अंदर ही सिलेक्ट हो गई है और बॉक्स के अंदर हम एडजस्ट कर चुके हैं ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको आज नहीं लग रही होंगी ज़रूरत कंफ्यूज होने की नहीं है ज़रूरत है जी। ये हमने कंट्रोल जेड कर लिया तो ज़रूरत की चीज़ की है ज़रूरत है लाइक करने की। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपको मज़ीद कुछ अच्छा सिखाने के लिए सोच सकें। अभी तक मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना सिखाएं इसका रिस्पांस नहीं मिलेगा अभी तक मुझे नहीं मिल रहा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मज़ीद इसको बढ़ाया जाए और ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से एडवांस की तरफ चला जाए तो आप ज़रूर लाइक करें सपोर्ट करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इसके बाद हम क्या करते हैं दोबारा से आते हैं यहाँ पे अगर रीसाइज करना चाहें पिक्चर को तो रीसाइज भी कर सकते हैं। अब ये था हमारा बेसिक सा कंसेप्ट जो कि पिक्चर से रिलेटेड था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो हमारा है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट का क्या मतलब है यानी कि क्लिप आर्ट हम करना चाहें तो वो हम जब हमारे पास मौजूद हैं क्लिप आर्ट यहाँ पर हम सर्च करना चाहें कुछ तो वो सर्च भी कर सकते हैं। अगर ऑल मीडिया फाइल्स फाइल टाइप यानी कि लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं इलस्ट्रेशन फोटोग्राफ्स वीडियोस एंड ऑडियो ये तमाम तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं ये हमारे पास क्लिप आर्ट्स मौजूद हैं
तो हम क्या करते हैं, ये वाली पिक्चर जो है इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये पिक्चर जो है ये फिर से मस्ती कर रही है, हालांकि इसको पता है कि हम सीख चुके हैं लेकिन फिर से ये मस्ती कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पे आके पोजीशन पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रख देंगे। अब ये देखिए मेरा इशारा जो है पहले को ट्रेड की तरफ था, अब ट्रैक्टर की तरफ है, जो कि 3D टाइप का बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो आप इस तरह की चीज़ें अपने खुद से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे काओ को लेके आना चाहें तो काओ को भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना है, आपने एडिट करने के लिए सिंपल आपने पोजीशन पे आना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। तो आप क्या करते हैं, हम इसको फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम काओ को लेके आते हैं और काओ को कर सकते हैं ये। अगर हम इसको मज़ीद इसकी पोजीशन रोटेट करना चाहें तो वो हम पोजीशन कैसे रोटेट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम आके यहाँ पे जी, तो यहाँ पे आके हम इसकी पोजीशन जो है वो रोटेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये एक सिंगल क्लिक से हमारा काम हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।